कुछ दिन पहले सुंजौली में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू आया था, जिसमें कुछ युवा ने मलयाना में सब्जी विक्रेता को पीटा था और उस पर इशू काफी आगे बढ़ा। और बड़े दुख की बात है कि हमारा सुंजौली जो बाजार है, बाजार में लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ ही, ज्यादा दूर नहीं है लक्ष्मी नारायण मंदिर से, एक मस्जिद का निर्माण हुआ है और मंदिर में जब भी कोई आरती या पूजन होता है और मस्जिद में जब भी नमाज पढ़ी जाती है, एक दूसरे उससे डिस्टर्ब होते हैं। और मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है, और मस्जिद अभी कुछ ही दिनों में मस्जिद वहाँ बनाई गई है। और जैसे सुना है कि वो अनऑथराइज बिल्डिंग में बनी है। हमारी सरकार से यही विनती है कि मंदिर के साथ मस्जिद ना बनाई जाए। और जो कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से एक अलग प्लेटफॉर्म पर इसको ले जा रहे हैं, उन मित्रों से भी मेरी ये विनती है कि आप क्षेत्र को ना बांटे। सारा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का देश का है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान हमारा है। और कोई भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर उपद्रव करता है, हम सबका दायित्व तो बनता है कि उसको रोके और कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये निर्माण किया है वो या तो इसको खुद तोड़े या सरकार इसके अगेंस्ट कार्रवाई करे। और शनिवार तक का इसमें समय दिया गया है। विभाग ने कहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि हमारे पास इसका केस लगा है और शनिवार को हियरिंग है। अगर इसमें सरकार और कॉरपोरेशन कड़ी कार्रवाई नहीं करती, लोगों के अंदर बहुत रोष है। और ऐसा नहीं है कि किसी जाति धर्म या पार्टी के लोग हैं, इसमें सब लोग हैं। सब लोग ये कहते हैं कि भाई किसी के भी मंदिर का निर्माण सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हुआ है, उसके नजदीक ये नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें कानून व्यवस्था भी है कि जहां कोई भी किसी भी धर्म के की कोई संस्थान बने हैं उसके नजदीक दूसरे धर्म वाले नहीं बना सकते। और इसमें कोई राजनीति ना करें, ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। और सुंजौली में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। और हिमाचल प्रदेश में एक देवभूमि है, वीर भूमि है, बहुत ही पीसफुल प्रदेश है, इसमें कोई और ऐसी दिक्कत ना हो। इसलिए कोई भी नेता इसमें राजनीति ना करके इसको, इस जो इशू उठा है इसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा सभी पार्टी के लोग वहां थे, ये पार्टी का इशू नहीं है। अगर उन्होंने ये बातें कही है ये बहुत ही गलत है। और सुंजौली में आप देखते होंगे चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, सब्जी वाले फ्रूट वाले हर कहीं छब्बे लगा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर एसपी शिमला और डीसी शिमला को भी कहना चाहता हूं कि जो भी बाहरी लोग यहां पर आ रहे हैं उनका पंजीकरण हो और किस क्षेत्र से आ रहे हैं उनका पूरा एड्रेस पुलिस विभाग में हो। और किसी को भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सड़क में लगाने के लिए छब्बे या कोई भी इस तरह से तंबू कहीं भी सड़क में ना लगाने दे, ये मैं कहना चाहता हूं। डे बाय डे नहीं तो ये लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।